हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट के एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड दिखने स्टार्ट हो चुके हैं। दो फेज़ में आपका एग्ज़ाम है, सभी को पता है। तो अब दोस्तों समय है कि अच्छे से रिवीजन कर लिया जाए, या फिर अभी भी आपने अगर नहीं पढ़ा है चीज़ों को तो अच्छे से, अगर आप 5-6 दिन, जिनका फेज़ वन में 16 को ही एग्ज़ाम है, तो अच्छे से अगर पढ़ लेते हो तो 90+ क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएंगे। मैं अपने चैनल पर दोस्तों आपको हिंदी की पैडागॉजी करा रहा हूं, अलग से ईवीएस की पैडागॉजी करा ही रहा हूं। साथ में जो ईवीएस में अलग से 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनके लिए मैं आपके क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। अब डेली मैं आपको 50 क्वेश्चन लगभग प्रोवाइड कराऊंगा एक वीडियो में। अगर आप इन सारे वीडियोज़ को एग्ज़ाम तक देख लेते हो तो 100% आप बहुत आसानी से जो है सीटेट को पास कर पाओगे। साथ में जो है और जो सब्जेक्ट हैं उनसे रिलेटेड भी वीडियोज़ मैं आपके आज से लेकर आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ये ईवीएस का वीडियो होगा। इसमें हम लोग 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में 100% पूछे ही जाएंगे। इनसे आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे, बस क्वेश्चन आपको ध्यान से पढ़ना है, समझना है, रटना नहीं है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों के विषय में सही नहीं है। मधुमक्खियों के बारे में बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। सबसे पहला कथन दिया गया है कि छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां ही रहती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, पहला कथन यहाँ पे इन्होंने सही किया है कि कुछ ही नर मधुमक्खियां रहती हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, ये कथन भी बिल्कुल दोस्तों सही है। नर मक्खियाँ छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं, जब कुछ ही नर मधुमक्खियाँ होती हैं तो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होती हैं, तो ये वाला कथन दोस्तों यहाँ गलत हो जाएगा। आगे कथन दिया गया है, छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं जिनको श्रमिक मक्खियाँ बोलते हैं, तो ये कथन भी सही है। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो हम ऑप्शन नंबर 3 के साथ जाएंगे, 3 वाला ऑप्शन सही नहीं है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। नीचे दिए गए किसी एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बाँस के खम्भों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊँचाई पर बनाते हैं, बताइए कौन सा राज्य हो सकता है। तो जब भी दोस्तों बांस पर घर बनाने की बात करी जाए, थोड़ी ऊंचाई पर 10 से 12 फीट या फिर 3 से 3.5 मीटर, तो वो हमेशा असम की बात करता है, क्योंकि वहाँ बारिश बहुत होती है। तो राइट आंसर यहाँ पे असम हो जाएगा। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, स्क्रीन पर छोटा सा दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा कि किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रेक्षण करने पर यह पाया गया कि लोगों ने अपने घर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए हैं, यह घर 2 मंजिले। देखिए बात को ध्यान दीजिए, क्वेश्चन आपको समझना है, मतलब चीज़ों को देखना है, क्वेश्चन ही अच्छे से पढ़ना है कि पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए गए घर हैं या घर 2 मंजिले हैं। मंजिलों की जो नीचे की मंजिल है वो जानवरों को जानवर रखे जाते हैं तथा ज़रूरत का सामान भी इकट्ठा करके रखते हैं। वह स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं, जब जाड़ा होता है तो वो स्वयं जानवर वाली जो जानवर जिसमें रहते हैं उसमें भी रहने लगते हैं। सभी घरों की छतें समतल होती हैं, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये ध्यान दीजिएगा, घरों की छतें समतल होती हैं, ढालू नहीं होती हैं, तथा इन्हें पेड़ों की मोटे तनों से बनाया जाता है। अब बताइए ये कहाँ के घर होंगे। तो दोस्तों ये घर लेह और लद्दाख के होंगे। जो यहाँ पर ऑप्शन में जो आएगा वो आपका जम्मू कश्मीर हो जाएगा। पर्वतीय क्षेत्र में किस प्रदेश का भाग है, तो वो जम्मू एंड कश्मीर का। तो ये पूरी जो जानकारी है लेह और लद्दाख के घर के बारे में है, तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत पूछा जाता है लेह और लद्दाख में जो घर बनते हैं इस तरीके के। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए कि प्रत्येक स्थान के नाम से उस क्षेत्र में बनाए जाने वाले सामान्य घरों का कुछ सही विवरण दिया गया, उसको मिलाना है। मनाली की बात करी है तो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छत वाले घर, सबसे ज़्यादा विशेषता यही होती है, भाई ठंड होती है खूब वहाँ पे, तो पत्थर या ढालू से बने, जो पत्थर या लकड़ी से बने ढालू छतें होती हैं, जैसे बर्फ क्या हो खिसक के बह जाए, मतलब इस तरीके का, तो ये तो बिल्कुल सही है। राजस्थान की अगर बात करें तो मिट्टी के घर जिनकी छतें कटीली झाड़ियों से छाई हुई होती हैं, ये भी बिल्कुल सही है, मिट्टी के घर बनते हैं क्योंकि वहाँ गर्मी होती है तो ठंडक के लिए बनते हैं। आगे देखिए असम, अभी हम लोगों ने बात करी कि बांस के खंभों पर बने ऊंचे उठे हुए घर। लद्दाख की हमने बात करी कि पत्थर के बने घर जिनके फर्श और छतें लकड़ी की बनी होती हैं। तो दोस्तों ये सारे के सारे ऑलरेडी मैंने मिला कर रखे हैं, जैसे आपको ज़्यादा टेंशन ना लेनी पड़े, आप चीज़ों को समझ पाओ, तो ये सारे के सारे सही मिले हुए हैं। तो इनको बस ध्यान दीजिएगा कौन से घर किस तरीके के किस में किस राज्य में होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न आइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों के बाद कॉलोनी में नहीं रहता। कहने का मतलब है यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसा कौन सा कीट है जो मधुमक्खियों के तरह
कॉलोनी में नहीं रहता, मतलब एक साथ कॉलोनी बनाकर नहीं रहता, बहुत सारी मधुमक्खियाँ एक साथ रहती, तो ऐसा इनमें से कौन सा कीड़ा है? तो देखिए, एक चींटी तो रहता है, दीमक भी रहता है, ततैया भी रहता है, लेकिन मकड़ी अकेले रहती है जाल बना करके अपना। तो यहाँ पे राइट आंसर मकड़ी के साथ जाएंगे, बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। अगला आइए दोस्तों, कि मकान मजबूत बांस के खंभों पर बने होते हैं, अंदर से भी मकान लकड़ी के ही बने होते हैं, मकान जमीन से 3 मीटर से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं, मकान की छतें ढालू होती है। देखो सब कुछ वही बात होगी, असम के बारे में हो रहा। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती है तो यह गांव किस राज्य में होना चाहिए? तो दोस्तों यह राज्य कहाँ होना चाहिए? असम में होना चाहिए। बात को समझ गए? चलिए अगला प्रश्न देखिए, ले एवं लद्दाख के घरों की विशेषताएं आपको फिर से दे दी गई हैं, इनमें से कौन सी हैं बतानी है ले और लद्दाख की। देखिए पहला दिया है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, ये तो सही हो गया। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें नहीं होती, मैंने बताया समतल छतें होती हैं, ये गलत हो गया। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट, ये भी असम की बात कर रहा है, वो भी बांस के खंभों पर होता है। पत्थर और यहाँ पे कह रहे हैं गारा होना चाहिए, पत्थर गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें, तो दोस्तों ये वाला भी सही हो जाएगा। लकड़ी के फर्श, और लकड़ी के फर्श इसने बोला है, तो लकड़ी के फर्श भी होते हैं। तो देखिए दूसरा गलत हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, पहला चौथा पांचवा सही होगा, जो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो ले और लद्दाख के घरों की विशेषताएं आप अच्छे से समझ लीजिए। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़ा सा छोटा दिखेगा, इसको ध्यान दीजिएगा। कि निम्नलिखित का अध्ययन कीजिए, कौवा पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, एक कथन ये अच्छे से समझ लीजिए, ये भी कई बार पूछा गया है। कौवा जो होता है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, इस घोंसले को बनाने में कई प्रकार की चीज़ें, यहाँ तक कि लकड़ी की शाखाएं और लोहे के तार भी वो उपयुक्त करता है, मतलब यूज करता है। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला नहीं बनाता और कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है, बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ इन अंडों को भी जीता है, यह पक्षी कौन है? तो यह पक्षी दोस्तों कौन है? यह पक्षी कोयल है, ठीक है। और कोयल के बारे में एक चीज़ पूछी जाती है कि वो झटके से अपनी गर्दन इधर उधर घुमा देती है, ये भी कोयल के बारे में पूछा जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कोयल हो जाएगा। आगे देखो, एक्सिमो अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, इसका रीजन क्या है? देखिए जो बर्फ की दीवारें होती हैं उनके बीच में आप इतना समझ लो हवा रहती है उनके बीच में, तो जिससे वो अंदर की गर्मी बाहर नहीं जाने देती है, इसलिए वो घर बनाते हैं, जैसे वहाँ पे इग्लू में अंदर गर्मी बनी रहे, क्योंकि ठंड का मौसम होता है और ठंड वाली जगह पर ही बनाए जाते हैं, तो गर्मी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 होगा, बर्फ की दीवारों के मौजूद हवा, बर्फ की दीवारों के बीच मौजूद हवा अंदर की गर्मी को बाहर जाने से रोकती है, इसलिए बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आइए दोस्तों, मिजोरम में की जाने वाली झूम की खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। पहला कथन दिया गया है कि एक फसल को, जो झूम खेती होती है दोस्तों वो पूर्वी क्षेत्रों में की जाती है, उत्तर पूर्वी भारत में, है ना, तो उसमें मिजोरम मेघालय काफ़ी देखने को मिलता है आपके सीटेट में, तो पहले इसका कुछ कथन दीजिए, देखिए फिर उनको सही बताइए कौन सा है। पहला कथन दिया है, एक फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं, ये झूम खेती की विशेषता है, ये सही है। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खतपरवार को काटकर जला दिया जाता है, ये भी सही है। बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है, ये दोस्तों गलत है, बिल्कुल हल्की जुताई की जाती है, तो यहाँ पे गहरी वाला जो आ गया वो गलत कर दिया इसको, तो ये कथन गलत होगा। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं, ये बात भी सही है। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग किया जाता है, नहीं, झूम खेती में आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरक कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है। तो कौन कौन से सही हो गए? पहला, दूसरा और चौथा। तो पहला, दूसरा, चौथा ऑप्शन नंबर ए में है, तो बस ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो यह पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं, इसका रीजन क्या है? क्या रीजन है? अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते हैं, तो यही बात है दोस्तों कि उनके जो नेत्र होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो इधर उधर घुमा नहीं सकते हैं, तो वो क्या करते हैं, इधर देखना है तो पूरी गर्दन ही अपनी हिला देते हैं, देख लेते हैं इधर करके, इधर देखना है तो पूरी गर्दन हिला के इधर देख लेते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कि कोई किसान उर्वरक और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, देखिए दोस्तों धान की जो खेती होती है वो बहुत उर्वरक, उसमें बहुत उर्वरता की ज़रूरत होती है, बार बार अगर आप धान की खेती ही करोगे तो वो जो ज़मीन होगी आपकी उर्वरता उसको समाप्त कर देगी उसकी,
और एक खेत में बार बार एक ही प्रकार की फसल उगानी भी नहीं चाहिए, इससे जो होती है फसल आपकी, जो खेत होता है वो आपका बंजर हो जाता है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं कि केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी वो मृदा, या फिर जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, या बंजर हो जाएगी, या अन्य फसलों के लिए भी उपजाई बन जाएगी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 3 होगा, बंजर हो जाएगी मृदा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न पूछा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित में से कथनों का अध्ययन। देखो रेगिस्तानी ओक के बारे में चारों के चारों कथन यहाँ पे मैंने सही लिख दिए हैं, आपको बस इन कथनों को ध्यान देना है। मेरा मेन उद्देश्य यह है कि इन कथनों को अच्छे से पढ़ लें कि आपके क्वेश्चन वहाँ पर सही हो जाएँ। पहला बात तो ये रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर की होती, ये कथन बात इसके लिए सही है। इस वृक्ष की जड़ जो होती है नीचे वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहराई तक भीतर ज़मीन में जाती हैं जब तक उनको पानी नहीं मिल जाता है। इसके अलावा दोस्तों इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है, जब वहाँ के लोगों को पानी की कमी होती है तो इसमें पाइप डाल करके इसके तने में वो पानी का यूज करते हैं। ठीक है, और यह ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा ये कथन गलत जो किया जाता है, ये ऑस्ट्रेलिया वाला किया जाता है, इसको बोल देते हैं मेघालय में पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, ऐसे बोल देते हैं क्योंकि रेगिस्तानी है ना, तो इसको कह देते हैं कि राजस्थान में पाया जाता है, तो ये गलत हो जाता है। फिर बाकी इतने चारों कथन आपको अच्छे से इसके बारे में याद कर लेना है, रेगिस्तानी ओक के बारे में यही बार बार पूछा जाता है। आगे देखिए दोस्तों, नीचे दिए गए जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता पाई जाती हैं, तो जैसे छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप, ये सारे के सारे दोस्तों अंडे देते हैं, तो यही इसका सही हो जाएगा। और जो अंडे देते हैं उनको अंडायुज कहते हैं, जो बच्चे देते हैं उनको जरायुज कहते हैं, ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो इसमें से जो पहला ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी जहरीले होते हैं तो भैया गौरैया कहाँ जहरीली होती है, भूमि और जल दोनों पर चलते हैं तो जल में कहाँ गौरैया चलती है, और इनके शरीर पर सल्क होते हैं तो इसमें से सांप पे सल्क कहाँ होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये तो गलत हो जाएंगे, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 1 सही होगा कि यह अंडे देते हैं। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों कि कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, या पक्षी कौन सा हो सकता है, तो कौवा हो सकता है ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, इसे ध्यान रखें। अगला प्रश्न देखिए, के लिए मछली घर में हवा वाला पंप रखा जाता है। देखिए दोस्तों, हवा वाला पंप जो एक्वेरियम में रखा जाता है इसलिए रखा जाता है कि अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए वो रखा जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर केवल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन, एक एग्जाम में आपके पूछा गया है, बढ़िया क्वेश्चन है कि जब एक मछली को पहले से उबले लेकिन कमरे के तापमान पर ठंडा के पानी में से भरे एक्वेरियम में डाला जाता है तो वो मर जाती है, ऐसा क्यों। देखिए पानी को जब आप उबाल दोगे तो उसके खनिज लवण क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे, और वो मछली के लिए ज़रूरी होते हैं, तो फिर मछली क्या होगी, वो तैरने योग्य नहीं होगा उसके लिए पानी, और वो खत्म हो जाएगी वहाँ पर। तो इसका मेन रीजन जो होगा इस वाले क्वेश्चन का वो होता है कि खनिज रहित है इसलिए वो वहाँ पे मर जाती है। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला देखिए दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारें और फर्श को लीपा जाता है, तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर क्वेश्चन को सही करेंगे तो दोस्तों वो करेंगे कीड़ों को दूर भगाने के लिए, कहीं कहीं ऑप्शन में चिकना और साफ बनाने के लिए भी देता है, सही किया है किताबों में, लेकिन आपका जो आंसर सही होगा वो कीड़ों को दूर रखने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि राधा विभिन्न प्रकार की यात्रा टिकटों का उपयोग करती है, ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जाती है। कुल मिला के जो यात्रा टिकट के बारे में पूछा गया कि टिकट से हमें कौन कौन सी जानकारी मिल जाती है, मेन रीजन ये है इस क्वेश्चन पूछने का। पहला कह रहा है कि अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, ये बात तो सही है भाई, टिकट से आप कानपुर जा रहे हो तो अलग आपका किराया लगेगा, लखनऊ जा रहे हो तो अलग किराया लगेगा, तो और एक बात और होती है ट्रेन से जा रहे हो तो कम किराया लगेगा, बस से जा रहे हो तो ज़्यादा किराया लगेगा, तो अलग अलग साधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, तो टिकट से इस बात का हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती, ये बात इससे हमें नहीं पता चलता है टिकट से, और सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए हमें टिकट चाहिए, ये बात भी पता चलती है। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, इससे जानकारी नहीं मिलती टिकट की। तो हम बात करते हैं पहला और तीसरा इसका सही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति जो है पहले वो भोपाल मतलब मध्य प्रदेश और फिर रांची भ्रमण करना चाहता है, उसकी यात्रा की दिशा क्या होगी। तो जैसे आपको पता है दिल्ली ये है,
और जब हम मध्य प्रदेश में जाएंगे तो जैसे दिल्ली इसको बीच में करते, तो मध्य प्रदेश जाने के लिए पहले ऐसे जाएंगे, फिर यहाँ पे ऐसे रांची जाएंगे, तो देखो पहले दक्षिण जाएंगे फिर हम पूर्व जाएंगे, तो पहले दक्षिण दिशा और फिर पूर्व दिशा, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर को उन्होंने 110 सेंटीमीटर कर दिया, कह रहे हैं यदि इस मानचित्र पर किन्हीं दो शहरों के बीच की जो दूरी है वो 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है, तो इन दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी बताइए। तो सबसे पहले 9.17 को मीटर में बनाने के लिए 110 से मल्टीप्लाई करिए, और यहाँ पे ऑप्शन आपको किलोमीटर में दिया गया है, तो 1000 से क्या कर दीजिए, भाग कर दीजिए। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे राइट आंसर, क्योंकि ये तो मीटर में आ जाएगा और मीटर को किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग करते हैं, ऐसा सब कुछ सॉल्व करने के बाद आपका आंसर जो आएगा वो 1.067 किलोमीटर आएगा। तो इसको आप इस तरीके से करिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा चांद की सतह की विशेषताओं के बारे में सबसे अच्छा वर्णन है। देखिए यहाँ पे कहा है हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, समतल सतह, समतल सतह चांद पे नहीं है, पानी नहीं है, पर्याप्त हवा, पर्याप्त हवा की जानकारी नहीं है, पानी नहीं है, गहरे गड्ढे, ऊंचे पहाड़, ये सही है, हवा नहीं, गुरुत्व नहीं, पानी नहीं। अभी इसकी जानकारी हम पूरी तरीके से, इन्होंने कहा है गुरुत्व नहीं, तो गुरुत्व तो है, तो यहाँ पे ये भी गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या होगा, केवल और केवल ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। टूटता तारा, टूटता तारा के बारे में 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उल्काप जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है घर्षण की वजह से, तो बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 को लगाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ध्रुव तारा दोस्तों उत्तरी तारे को कहा जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। टाइटन किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है, तो टाइटन दोस्तों शनि ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है। फिर कह रहे हैं किस देश में क्रिसमस का त्यौहार गर्मियों में मनाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में, क्योंकि दोस्तों ये दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि ऑस्ट्रेलिया में। सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो ये आपका बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये याद रखिएगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन दोस्तों वो 22 दिसंबर को होता है, अगर उत्तरी गोलार्ध का पूछता तो आप 21 जून बताते, तो यहाँ पे 22 दिसंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं हो हैं, तो दोस्तों बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह जो है दोस्तों वरुण, जो सबसे दूर है वो हो जाएगा आपका नेपच्यून। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाला ग्रह कौन सा है, तो दोस्तों ये शुक्र है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगले देखिए, दिन और रात होने का प्रमुख रीजन क्या है, तो पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, उसी की वजह से दिन रात होते हैं दोस्तों, राइट आंसर। चंद्र ग्रहण कब होता है, दोस्तों जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब चंद्र ग्रहण होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आपका थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से देखें। कह रहे हैं कि हम सभी पुराने कुओं को देखते हैं जो अब सूख गए हैं, हमारे बड़े यह कहते हैं कि अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इनमें काफ़ी पानी था, परंतु अब यह पूरी तरह सूख गए हैं। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने के संभावित सही कारणों की रीजन बताइए, सही कारण बताइए। पहला रीजन दिया गया है कि जिन झीलों या तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वह नहीं हो रहा है इकट्ठा वहाँ, ये बात सही है। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन पर कोलतार सीमेंट से ढक गई, ये बात भी सही है। कुओं का कोई उपयोग नहीं करता क्योंकि हर घर में टोटियां लगी, ये बात गलत है भाई। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चालक पंप बन गए हैं, ये भी बात सही, इसलिए भी सूख गए हैं। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और तीसरा सही होगा, नहीं पहला, दूसरा, चौथा सही होगा, तीसरा गलत होगा। तो पांचवें ऑप्शन में मैंने लिख दिया है कि केवल 3 सही नहीं है, बाकी सभी सही है, तो यहीं पे राइट आंसर होगा। बाकी आपको समझना है केवल इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन में क्या सही है क्या नहीं है, कथनों को बारे में सही से देख लेना है, बाकी आप ऑप्शन तो वहां पे लगा ही लोगे। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, नदी बांधों से उत्पन्न जल विद्युत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहला कथन कि जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, ये सही है। बांध स्वदेशी लोगों को अपनी नदी के जीवन रेखा से अलग करते हैं, ये भी सही है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये गलत है। यह पानी या हवा को प्रदूषित नहीं करता, ये सही है। तो यहाँ पे दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि आपको गलत वाला बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, सीढ़ीदार कुएं अथवा बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित में कुछ कथन दिए गए हैं, बताइए। पहला कथन दिया गया, वह जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है, सही बात है। सामुदायिक स्रोत के रूप में इनका प्रयोग होता है, ये भी सही बात है। उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये बात भी सही है। उनमें केवल संदूषित जल होता है, ये बात गलत है। पांचवें में मैंने लिखा है,
कि चार सही नहीं है बाकी सब सही है, तो यही वाला ऑप्शन आप टिक करोगे क्योंकि चार वाला गलत है बाकी सब सही है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन देखिए कि तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है। तो दोस्तों तरुण भारत संघ नामक समूह जो संबंधित है वो पुरानी झीलों को पुनः निर्मित करने से संबंधित है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, मृत सागर क्या है। देखिए ऐसा सागर जो सबसे ज़्यादा नमकीन है महासागरों में, तो यही इसका राइट आंसर होता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए लिखा है ऐसा सागर जो सभी महासागर में सबसे ज़्यादा नमकीन है, यही मृत सागर है। क्वेश्चन आपका एग्जाम में आया हुआ है। जल जनित रोग इनमें बताइए कौन सा है। तो आपका जो इसमें अतिसार रोग है वो जल जनित रोग है। 71% पृथ्वी का तल दोस्तों ढका हुआ है, वो किससे ढका हुआ है, तो जल से ढका हुआ है, आप सभी को पता है। अगला प्रश्न है कि विश्व में जल संकट का प्रमुख रीजन क्या है। तो नगरीकरण, औद्योगिकरण, विश्व के तापमान में वृद्धि, अम्ल वर्षा में, नगरीकरण सबसे ज़्यादा मुख्य कारण है। तो राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट होगा। संसार का अधिकतम ट्यूबवेल किस देश में है, तो वो भारत, अपने भारत देश में है। पानी में पाए जाने वाले रेडियो सक्रिय पदार्थ का अंश कारण बनता है कैंसर, आग से पानी गिरना, डीएनए विखंडन, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। लवण जो दोस्तों जल का अवशोषण करता है उसको हाइड्रोस्कोपिक लवण बोलते हैं। यहाँ पे दोस्तों हाइड्रोस्कोपिक की जगह आपको हाइग्रो करना है, क्या करना है, हाइग्रोस्कोपिक। तो ये ड्रो लिख गया है, इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, हाइग्रोस्कोपिक होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा जब आप हाइग्रोस्कोपिक लिख लेंगे। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का रीजन क्या है। तो दोस्तों महासागरों में जल स्तर वृद्धि का जो रीजन है वो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखा की माँ डैश के लिए रोजाना तालाब के लिए फिटकरी डालती है। तो दोस्तों फिटकरी डालने से हल्के जो निलंबित अपद्रव्य होते हैं उनको अवसादित किया जा सकता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 पे लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन जो होता है वो सिल्वर आयोडाइड होता है। बहुत अच्छे से इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि उस वैज्ञानिक का नाम क्या है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस संस्थान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था रोनाल्ड रॉस को। नाम याद रखिएगा इनका, रोनाल्ड रॉस को। आगे देखिए मीना माता रोग प्रदूषण जनित रोग है जो परिणाम है समुद्र में बिखरे तेल का, वायुमंडल में आर्सेनिक जमा होने का, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का, या मनुष्य के कारण अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, औद्योगिक पारा अपशिष्ट को पानी में छोड़ने का। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के किस राज्य में पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी। तो ये महाराष्ट्र में दोस्तों पानी पंचायत प्रारंभ हुई थी, इस बात को अच्छे से ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे आपके सीटेट में ईवीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ 50 क्वेश्चन। इसी तरीके से जब भी आपका एग्जाम अभी जिस डेट को है उससे पहले मैं आपको कई सारे क्वेश्चन अपने चैनल पर ईवीएस के कराने वाला हूँ। साथ में दोस्तों पेडागॉजी के जो सीरीज आपकी चल रही है वो लगातार चलती रहेगी, उसमें हम डेली 50 क्वेश्चन आपको हिंदी पेडागॉजी के करा रहे हैं। आज से हम ईवीएस और इसके अलावा मैथ्स के भी हम क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो सारे के सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाएंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए दोस्तों, वहाँ पर सीटेट यूपीटेट के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पीडीएफ प्रोवाइड करा दी चुकी हैं, उनको आप अच्छे से पढ़िए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखता हूँ, धन्यवाद।